निशा, मैंने तो पहले ही कहा था कि लौटते लौटते देर हो जाएगी। अब मुझे सुबह की फ्लाइट भी पकड़नी है। काम 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 के सिवा और भी कुछ है तुम्हारी लाइफ में? अरे ये कौन पागल आदमी है, बीच रास्ते पे क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, खून है उसके कपड़े पे और हाथ में चाकू भी है। जल्दी से भगाओ यहाँ से। अरे कैसे भगाओ, सामने खड़ा है। अगर मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सेव मी। अरे ये तो हमारी तरफ आ रहा है। सेव मी। ये तो मदद मांग रहा है, जरा देखो ना उसे क्या हुआ। अगर ये मर गया ना तो तुम भी फंसोगी और मुझे भी फंसवाओगी। मैं मरना नहीं चाहता, कोई मुझे मेरे घर ले जाए। मुझे तो ये अपराधी लगता है। मैं तो बोलता हूँ हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, हम इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया तुमने अपने हाथों में चाकू ले लिया। तुम अगर ये मर गया ना तो तुम भी फंसोगी और मुझे भी फंसवाओगी। तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। देखो तुम्हें बैठना है, तुम यहीं बैठो, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। कैसे हो अभिमन्यु? सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थैंक गॉड, इससे कम से कम होश तो आया। समझ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो जाओगे, रिलैक्स। ये हल्की सी चोट लगी है सर पे। सर पे ये चोट कैसे लगी कुछ याद आ रहा है तुम्हें? हाँ? मैं एक गाड़ी के आगे गिरा था। अच्छा? तो वो लोग मुझे यहीं छोड़ गए। कौन लोग? किसकी बात कर रहा था? वही लोग जिनकी गाड़ी से मैं टकराया था। पर आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, CID। बताओ किन किन लोगों का खून किया है तुमने? खून? खून और मैंने? हाँ तुमने। नहीं नहीं सर, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। तो वो खून तुम्हारे कपड़ों में कहाँ से आया? मालूम है, सारे कपड़ों पे खून ही खून लगा हुआ था। कपड़ों पर खून? हाँ, और सिर्फ एक आदमी का खून नहीं, अलग अलग लोगों के खून है। और तुम कह रहे हो कि तुमने खून नहीं किया, तो फिर कहाँ से आया ये 3-4 लोगों का खून? हाँ? सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम्हारे हाथ में एक चाकू था, खून से सना हुआ? हा? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया, विश्वास कीजिए मुझ पर। ऑफिसर, इनके खून में से हमें बहुत सारा ड्रग्स मिला हुआ। इतने ड्रग्स लेने के बाद आदमी को कुछ याद नहीं रहता, और इनको सब कुछ वापस याद आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। कमाल हो गया, बाहर कपड़ों पे खून लगा हुआ और इसके खून में ड्रग्स मिली हुई, और ये कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है। हाँ? इसके घर वालों से जाके मिलना पड़ेगा, देखो वो क्या कहते हैं। काजल, क्या एड्रेस था इसके ड्राइविंग लाइसेंस में घर का? सर मेरा घर आ गया सर। सर बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। अभी पता चल जाएगा तुमने कुछ किया है या नहीं। हाँ? क्या हुआ बेटा? ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। आप इसके पिता हैं? हाँ। आओ अंदर आओ। लेकिन आप लोग इसके साथ कैसे? डैड, मैंने सीरियसली कुछ नहीं किया, ये लोग बेकार में मुझ पे शक कर रहे हैं। सर आपका ये बेटा हमें पूना हाईवे पर मिला, खून से लथपथ, और इसके हाथ में खून से भरा हुआ चाकू भी था। ड्रग्स भी लिए थे। ड्रग्स से इतना असर हुआ है कि इसे कुछ भी याद नहीं। एक मिनट, देखिए ये सब क्या कह रहे हैं आप? हमारा अभिमन्यु ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। हाँ अंकल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अंकल सीरियसली मैंने कुछ नहीं किया, इन्हें कुछ कहिए ना। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम है ना। आपके होने या ना होने से कुछ नहीं होगा। मिस्टर विक्रम, विक्रम नाम है मेरा, मैं इसका अंकल हूँ। बेटा, क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है? अंकल, सीरियसली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप तो अच्छी तरह जानते कि मैं पार्टी में भी नहीं जा रहा था, बल्कि आप लोगों ने मुझे भेजा वहाँ पे। हाँ हाँ, मैंने ही भेजा था उसे पार्टी में। बेचारा 1 महीना पहले अपनी माँ को खो चुका है। मैंने सोचा उसका मन बहल जाएगा। इसके पर खून लगा हुआ था और इसे ये भी पता नहीं वो खून कहाँ से आया। क्या मालूम सर कहाँ से आया? देखा, मुझे कुछ नहीं मालूम किस आदमी का खून है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं, मगर तुम इतना तो बता ही सकते हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कहाँ लेके गए? सर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, वो एक फार्म हाउस था और उसके बाहर एक लाल गाड़ी खड़ी थी। लाल गाड़ी? हाँ सर, लाल गाड़ी। कुछ कुछ याद है सर बस। देखो अभिमन्यु, तुम्हारे हाथ से खून हो गया है, चाहे झगड़ा वगड़ा हुआ हो। जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चल जाता तुम हमारे साथ ही रहो, ठीक है? आपने पूछा है कि इससे कि मेरी बच्ची का क्या हुआ है? पूछिए इससे। एक प्लीज शांत हो जाइए। देखिए घबराइए मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को, कुछ नहीं होगा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं इसी ने मारकर कहीं फेंक तो नहीं दिया उसे। देखिए आप मेरे बच्चे के लिए अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकालिए, कुछ ऐसा हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा। मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। हम सब लोग आपके बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। मैं सर आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तुम्हें क्या लगता है माफी मांग लोगे तो तुम्हारा पीछा छूट जाएगा? नहीं 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 नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना, समझे? आप लोगों ने आखिरी बार उन बच्चों से कब बात की थी? अपने बच्चों से कब बात की थी आखिरी बार? आखिरी बार तो जब वो पार्टी के लिए घर से निकला था। बहुत खुश था मेरा बेटा, कह रहा था डैडी कल तक वापस आ जाऊंगा। देखिए आप घबराइए मत, आपका बेटा जरूर वापस आ जाएगा। मेरी बेटी ने पार्टी में से फोन किया था और कहा था कि पापा अभिमन्यु आज 26 साल का हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। पीछे अजीब से गाने की आवाज आ रही थी जोर जोर से। अजीब सा गाना? हाँ साहब, ऐसा गाना मैंने आज तक नहीं सुना। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने फोन रख दिया। शायद मेरी बेटी मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। फिर दोबारा आपने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश नहीं की? उसके बाद फोन लगा ही नहीं। हाँ, फिर एक मैसेज आया आंसरिंग मशीन पर, लेकिन वो भी समझ में नहीं आया उस अजीब से गाने की वजह से। सर पहली बार सुना है, जन्मदिन की पार्टी में ऐसा म्यूजिक बजा जो समझ में नहीं आया। हाँ सर, कुछ अजीब सा लग रहा है ये। अभिजीत, अभिजीत सुन के देखते हैं ये है क्या ऐसा म्यूजिक? आपके आंसरिंग मशीन पर तो म्यूजिक होगा ना? हाँ साहब है। हाँ बोल। अच्छा मिल गया? देख वही है कि कोई और है? ओके, एड्रेस भेज दे उसका। अरे हाँ हाँ, एसएमएस करना। मिस्टर अभिमन्यु, उस फार्म हाउस का पता चल गया जिसके बारे में तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो जल्द ही पता चल जाएगा क्या हुआ था उस रात उस फार्म हाउस में। सर काफी दिनों से यहाँ पर कोई नहीं रहता है। बोलेगा लाल रंग की गाड़ी ठीक वैसी है जैसे अभिमन्यु ने बताया था। सर यहाँ पे तो कोई वॉचमैन भी नहीं है और ना ही कोई देखभाल करने वाला। देख आस पास जाके पता करो लोगों से कल रात को यहाँ पे कुछ हुआ था क्या। तब तक हम लोग अंदर जाके देख लें। जी सर। देखिए कुछ मिलता है क्या। दरवाजा खुला? दरवाजा खुला होने का मतलब समझती हो ना क्या होता है? सो इसका मतलब चिड़िया उड़ गई? नहीं, कोई बुरी खबर मिलने वाली है। सही, यहाँ पर खून और शराब की भी बदबू आ रही है। खून की बदबू मतलब बुरी खबर ही है। ये खिड़की उड़की खोल दो। जी सर। बहुत जबरदस्त बदबू है। खून पे किसी को घसीट के ले जाया गया है। यहाँ पार्टी थी, मौज मस्ती हुई, फिर खून हुआ। ये अभी भी खून जमा हुआ है। तो हो सकता है कि लाश यहीं कहीं है। तो ये भी हो सकता है कि लाश को किसी और जगह पे ले जाया गया जिससे किसी को पता ही ना चले। चलो देखते हैं। गाड़ी के टायर के निशान, और वो भी घर के पीछे के दरवाजे के सामने। मतलब लाश को गाड़ी में डाल के ले जाया गया। सर, ये लोग यहीं पे रहते हैं सर, आसपास में। इन लोगों का कहना है कि पार्टी वाले दिन ये भी यहाँ पे आए थे, फार्म हाउस। तो तुम दोनों उस पार्टी में शामिल थे? नहीं सर, हम लोग तो उन्हें मना करने आए थे। वे लोग बहुत शोर मचा रहे थे। हाँ सर, बहुत हो हल्ला मचा रहे थे वो लोग, और हम लोगों की तो रात की नींद भी खराब कर दी। और क्या देखा? जी, यहाँ पे कुछ झगड़ा सा हो रहा था। आप लोग पहचानते उन लोगों को जो यहाँ पे थे? नहीं सर, हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। आपने इस आदमी को कभी देखा है यहाँ पर? हाँ सर, यही था वो। ये लोगों को धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी से। और ये सर नशे में पूरी तरह से धुत था, इधर उधर गिर पड़ भी रहा था सर। जान से मारने की धमकी, फिर खून, और उसके ऊपर से शराब। इसका मतलब खून उस अभिमन्यु ने किया है। विवेक, काजल, घर के अंदर जितने भी खाने पीने का सामान है सब उठा लो, और देखो घर में वो म्यूजिक की सीडी है क्या। जी सर। हाँ सर, या सर, वो फार्म हाउस मिल गया है जो अभिमन्यु ने बताया था। हाँ सर, खून यहीं पे हुआ है। नहीं सर, अभी तक लाश नहीं मिली है। ठीक है सर। सर, पूरे घर में देख लिया, म्यूजिक की सीडी कहीं नहीं है। नहीं है? तो फिर कहाँ गई वो म्यूजिक की सीडी? अभिमन्यु, अभी एक बात तो पक्की है कि तुम लोग जहां पे पार्टी मना रहे थे वहां पे खून तो जरूर हुए। और वो खून तुमने ही किया है। एक बात को 1000 बार बोल चुका हूँ सर, ये खून मैंने नहीं किया। प्लीज बिलीव मी सर। अब ना बोलने से कोई फायदा नहीं है, समझा? वहाँ आसपास पड़ोसियों ने देखा है तुम लोगों को पार्टी मनाते हुए फार्म हाउस में। तुमने फार्म हाउस बुक किया था ना फोन करके, क्यों? सच है कि नहीं? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फार्म हाउस को भी मैंने बुक किया था और पार्टी भी की थी, पर सर कोई खून नहीं किया मैंने। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दोस्तों में से किसी ने खून किया? तुमने देखा किसी को खून करते हुए? सोचो अभिमन्यु, सोचो, याद करने की कोशिश करो। हाँ, तुम अपने दोस्तों के साथ थे वहां पे, कुछ अजीब सा म्यूजिक बज रहा था। सोचो क्या हुआ था वहां पे पार्टी में। हाँ, कुछ याद नहीं आ रहा सर। मुझे इतना जरूर याद है कि वहां पर लोग थे, पर कौन कौन थे ये याद नहीं है सर। बड़ा अजीब आदमी है सर। पार्टी याद है, पार्टी में लोग थे ये भी याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि पार्टी में कौन कौन लोग थे और उन्होंने क्या किया। सर, ये है मिस्टर आशुतोष, म्यूजिक एकेडमी से, और ये हमें उस म्यूजिक के बारे में बता सकते हैं। हेलो सर। हाय आशुतोष, जरा ये म्यूजिक सुन के बताना किस तरह का म्यूजिक है ये। ये म्यूजिक आप लोगों को कहाँ से मिला? ये फोन के आंसरिंग मशीन से हमने निकाला है। उसमें रिकॉर्डेड था। कुछ पता चला कैसा म्यूजिक है ये? ये चाइनीज म्यूजिक है सर, और हाल ही में मार्केट में लॉन्च होने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी सीडी अभी मार्केट में आई होगी। सर, बर्थडे पार्टी में चाइनीज म्यूजिक, आदमी इंडियन और म्यूजिक चाइनीज, इसका क्या मतलब हो सकता है? अभिमन्यु, तुम्हें चाइनीज म्यूजिक पसंद है? नहीं सर। एक काम करो खड़ी, पता करो ये म्यूजिक सीडी कहाँ पे मिलती है। यस सर। और ये भी पता करो किसने खरीदी है, क्योंकि जिसने भी ये म्यूजिक सीडी खरीदी है उसने खून करने के लिए खरीदी होगी। और खूनी अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह के म्यूजिक से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ डॉक्टर सालुंके। ओ बॉस, अभिमन्यु के खून में ड्रग भरी पड़ी है। डॉक्टर साहब, ये मेडिसिन वाली ड्रग्स है या ड्रग्स वाली ड्रग्स? ड्रग्स वाली ड्रग्स है अभिजीत, नशीली दवाई। पर ये अभिमन्यु तो डॉक्टर साहब पहले से ही ड्रग एडिक्ट है, पार्टी वाले दिन उसने फिर से ड्रग ले ली होगी ना। ये ड्रग अलग है अभिजीत, अलग है। इस ड्रग में तो आदमी का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, उसे अजीब अजीब भयानक भयानक सपने आने लगते। डिल्यूजन्स? हाँ, डिल्यूजन्स। मतलब जो भयानक सपने वो आदमी देख रहा है, उसे ऐसा लगता है ये सपना नहीं सच है। एब्सोल्युटली। वो खून भी कर सकता है। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है बॉस। एक बार अगर दिमाग में तूफान मच गया तो कुछ भी कर सकता है, वो किसी का खून भी कर सकता है। वो डर के मारे चिल्लाने लगेगा, वो इधर उधर भागने लगेगा, उसे लगेगा कि दूसरी दुनिया का आदमी आकर के उसका खून करने वाला है, और वो उन ताकतों से लड़ने लगेगा। एब्सोल्युटली। एक मिनट और सर। तारिका जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? अभिजीत, अभिमन्यु के खून में जितनी ड्रग्स मिली है उससे वो मर भी सकता था, वो बच गया, यही बहुत बड़ी बात है। शायद इसी वजह से उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। कितनी अच्छी तरह से समझाती हैं तारिका जी आप। और डॉक्टर सालुके तो बेकार, डॉक्टर सालुके को तो कुछ आता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, आप पूरी बात तो सुन लो। आप, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर सालुके तो जो समझाते हैं वो तो अच्छा होता ही है। अब देखिए ना, अभिमन्यु के खून के बारे में आपने जो हमें बताया वो गलत है। डॉक्टर सालुके ने जितनी बातें कही वो सब की सब सही नहीं है। ये कौन है? अपने एसीपी से पूछ रहे कौन है? क्या एसीपी साहब से? क्यों? उसी ने बिठाई है मुसीबत मेरे सर पर। इस मुसीबत का नाम डॉक्टर सोनाली बर्वे है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डॉक्टर सालुके, अब मैं भी इसी लैब में काम करूंगी। और डॉक्टर तारिका? कमाल आदमी हो यार तुम, तारिका के बारे में पूछ रहे हो, मेरा क्या होगा इसके बारे में नहीं सोच रहे? नहीं मैं, आप मतलब आप एक दूसरे को जानते हैं क्या? अभिजीत, ये और डॉक्टर सालुके एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। अच्छा 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 अच्छा, तो ये चक्कर है, हैं? फिर तो आपस में आप लोगों की दोस्ती वगैरह भी होगी। हाँ थी ना, ये मुझ पर लाइन मारा करते थे। उनके साहब देखिए, ये बात आपने हमें पहले नहीं बताई। जाने तो नहीं यार, लाइन अरे यार ये छोड़ो यार, पुरानी बात है बस। अभी बंदूक के खून में ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी उसी के बारे में बात कर रही हूँ डॉक्टर सालुके। अभिमन्यु के खून में मिले ड्रग की मात्रा से इंसान की याददाश्त पूरी तरह से कभी नहीं जा सकती। हाँ, थोड़ा बहुत याद जरूर रहेगा। और अगर अभिमन्यु आपसे ये कह रहा है कि वो सब कुछ भूल गया है तो वो झूठ बोल रहा है। अभी अभिमन्यु के खून में इतनी ड्रग्स थी कि वो मर सकता था। मर सकता था डॉक्टर सालुके, लेकिन मरा नहीं। वो इसलिए कि अभिमन्यु का शरीर इन ड्रग्स को झेल सकता था। और बड़ी बात ये है कि उस फार्म हाउस में मिली खाने पीने की चीजों में भी ड्रग्स थी। मतलब उस पार्टी में बाकी सब लोग भी ड्रग्स ले रहे थे? यस। कम ऑन यार, जब अभिमन्यु ड्रग्स ले रहा था, उसके खून में ड्रग्स मिली हैं, तो बाकी लोग भी ड्रग्स ले ही रहे होंगे ना, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है डॉक्टर सालुके। अभिमन्यु के खून में मिले ड्रग्स और उस फार्म हाउस में खाने पीने की चीजों में जो ड्रग्स पाई गई, उनमें बहुत फर्क है। डॉक्टर सोनाली, आप तो एकदम तूफान है। मतलब? मतलब ये कि ये जो आपने इस केस में नई चीज बताई वो। अभिजीत, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। ये कितनी बड़ी तूफान है ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। और एक बात मैं इनके मुंह पर बोल सकता हूँ, ये बहुत टेढ़ी लड़की है। और ये बात तुम्हें तब पता चलेगी जब ये तुम लोगों को हिला करके रखे। और हाँ, ये जो कुछ भी कह रही है ना, इस पे ज्यादा तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। ये सब इस फाइल में लिखा हुआ है जो ये मेरी लैब से उठा करके ले आई है। और हाँ, डॉक्टर सोनाली बर्वे, वो जो अभिमन्यु के शरीर पर और कपड़ों पर जो खून लगा हुआ था, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं। देखा, निकल गई हवा, निकल गई गुब्बारे की। नहीं। For your kind information, डॉक्टर सोनाली बर्वे, वो खून अभिमन्यु का नहीं है। और वो खून एक आदमी का नहीं बल्कि 3-4 आदमियों का है। 3-4 लोगों का खून? मतलब 3-4 लोगों का खून हुआ है? और उसमें भी ड्रग्स मिली हुई थी। वही वाली? नहीं, वो ड्रग्स अलग। शायद वही ड्रग्स जो उस फार्म हाउस में पाई गई खाने पीने की चीजों में मिली। इसका मतलब किसी ने अभिमन्यु को जानबूझकर ड्रग्स की भारी डोज खिला दी या फिर पिला दी, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूम गया और उसने ये खून वगैरह कर दिया। पर सर, अभिमन्यु तो पहले से ही ड्रग्स लेता था। वो कौन सी ड्रग्स लेता था और कौन सी नहीं, इसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे अच्छी जगह होगी वो जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। रिहैब क्लिनिक? यस यस, रिहैब क्लिनिक। अरे साहब, इतना जोर से गला साफ करेंगे तो खांसी आ जाएगी। पर अगर गाना गाने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर के गाइए ना। अब और अगर सीडी वीडी खरीदनी है तो खुद ढूंढ लीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या बात है, मुझे बताइए आप। देखिए, हमें कोई सीडी वीडी नहीं खरीदनी है, हम लोग CID से। देखिए साहब, हम लोग कोई भी चोरी का म्यूजिक नहीं भेजते हैं। आप चाहे तो पूरी लाइब्रेरी की तलाशी ले सकते हैं आप। हम कोई तलाशी वलाशी नहीं लेंगे, हमें सिर्फ ये पूछना है कि 2-3 हफ्ते पहले कोई चाइनीज म्यूजिक की CD मार्केट में आई थी क्या? ऐसे कैसे बता सकते हैं साहब, कुछ डिटेल वगैरह तो होगा, कोई नाम वगैरह? मेरा दिमाग घूमने लगा है। अब मेरे को ये मत बोलना कि गाना मत गाना, समझे? मैं गाना भी गाऊंगा और डांस भी करूंगा। पहले CD देखो, चला के देखो, चलो। लोग ऐसा म्यूजिक रखते हैं क्या? देखिए, ये म्यूजिक तो सिर्फ हमारे स्टोर में मिलता है। तब तो आपको पता होना चाहिए था 2-3 हफ्ते पहले ऐसा म्यूजिक आया है या नहीं। ये CD मैंने ही मंगवाई थी ऑर्डर देकर। किसके लिए मंगवाई थी? हाँ, 3 दिन पहले एक लड़की आई थी, शायद वो स्टूडेंट थी, उसने एडवांस भी दिया था। स्टूडेंट? जी हाँ। कौन थी वो, आप जानते हैं उसे? मैं जानता तो नहीं हूँ, पर हाँ, उसका नाम और एड्रेस है मेरे पास, वो मैं आपको दे सकता हूँ। एक मिनट। जी हाँ, ये रहा उसका नाम और पता। विवेक, इस स्टूडेंट से ही पूछते हैं वो अभिमन्यु को जानती है कि नहीं। सर, एक बात पूछूं आपसे, आप लोगों को क्या लगता है ये सारे खून मैंने किए? अब ये तो तुम ही बता सकते हो। अभिमन्यु, तुम क्या सोचते हो इन खून के बारे में? मैं आपको क्या बता सकता हूँ सर, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैंने कोई खून वून नहीं किया। एक्सक्यूज मी, मैं समीरा हूँ, मैं इस क्लिनिक की मैनेजर हूँ। अरे अभिमन्यु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीरा जी, हम लोग CID से। अच्छा हुआ आपने अभिमन्यु को पहचान लिया। क्या मतलब? मतलब ये अभिमन्यु हमें यहाँ नहीं लेके आया है, हम इसे यहाँ लेकर आए। क्यों, आप लोग इसे यहाँ क्यों लाए हो? समीरा जी, हमें अभिमन्यु पर शक है, और अगर कोई भी सबूत मिला तो इसे कोई नहीं बचा सकता। आखिर इसने ऐसा किया क्या है? खून। क्या खून? जी हाँ। अभिमन्यु, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम ये सब तुमने क्यों किया? तुम तो अच्छे खासे थे जब तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज मिला था, फिर क्या हुआ? हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या था यहाँ पे। आप लोग जो भी गए, मैं आखिरी दम तक यही कहूँगा कि मैंने कोई खून वून नहीं किया। मुझे इस पर यकीन है। ये ऐसा नहीं कर सकता, ये किसी का खून नहीं कर सकता। ये बहुत ही अच्छा लड़का है। हमें अभिमन्यु के रिकॉर्ड्स देखने हैं रिहैब क्लिनिक के। ठीक है। सोहन। जी मैडम। इन लोगों को तुम स्टोर रूम ले जाओ। अभिमन्यु के जहाँ रिकॉर्ड्स रखे हैं ना, वो दे दो। चलिए। क्या देख रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि फाइल कहाँ पे रखते हैं? मैं वही देख रहा हूँ साहब। पहले यहाँ एक अलमारी हुआ करती थी, उसी के ड्रॉर में रखी हुई थी वो फाइल। अब वो अलमारी दिखाई नहीं दे रही है। तुम हर रोज नहीं आते हो क्या यहाँ पे, जो तुम्हें पता नहीं चला ये अलमारी गायब है यहाँ से? हाँ? साहब मैं तो यहाँ पे कभी कभी आता हूँ, आज काफी दिनों के बाद आया हूँ। अलमारी क्या छोटी मोटी चीज है, अपने आप गायब हो जाएगी क्या? अभिमन्यु की फाइल गायब तो नहीं होगी यहाँ से? मालूम नहीं साहब, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। सर मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। जब अभिमन्यु को यहाँ पर दवाइयाँ दी गई और जब वो यहाँ से गए, तो हो सकता है कि वो दवाइयाँ तभी भी उसके खून में हो। उन्हीं दवाइयों की वजह से उसके दिमाग पे असर हो गया होगा और उन्हीं दवाइयों के नशे में उसने खून कर दिया। हॉस्पिटल की सारी दवाइयाँ यहाँ पे तो हैं। जगह अच्छी तरह से चेक करते हैं, देखो क्या क्या मिलता है। साहब ये फाइल मिल गई। ये मुझे दे दो, तू वहां कोने में जाके खड़े हो जा। कवर का पीछे का हिस्सा निकालना। अभिजीत ये देखो क्या ये? साहब मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में तो आपको सुपरवाइजर बता सकता है। सुपरवाइजर से बाद में पूछेंगे, अभी पता करते हैं ये है क्या। छुपा के रखी है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें सिर्फ फाइल लेने के लिए भेजा था ना। ये मैडम ये लोग मेरी मानते ही नहीं। मैंने काफी कोशिश की लेकिन। समीरा जी उसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? बिना लेबल का ड्रग्स, वो भी छुपा के रखा हुआ अंदर। क्या ड्रग्स यहाँ पर? हाँ ड्रग्स। जरा एक मिनट बताइए। इतना खतरनाक ड्रग्स यहाँ पर कहाँ से आया समीरा? और इस तरह के ड्रग्स ज्यादातर अपराधियों के पास होते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। वो हमारे दो सुपरवाइजर्स हैं, सुरेन और धीर। वो ही लाते हैं दवाइयाँ वगैरह, इसके बारे में वो ही बता सकते हैं। कहाँ है वो लोग? बुलाइए उन्हें। वो दोनों अभी तो यहाँ नहीं है, वो 2 दिन की छुट्टी पर गए हैं। छुट्टी पे हैं। समीरा जी हमें आपका ये रिहैब क्लिनिक सील करना पड़ेगा। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ये क्लिनिक बंद रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जी हाँ। एक्सक्यूज मी। यस सर, कैन आई हेल्प यू? हमें कीर्ति नाम की स्टूडेंट से मिलना है, म्यूजिक क्लास की स्टूडेंट है वो। सर आप अभी उससे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? सर अभी क्लासेस चल रही हैं। मैं उससे कुछ बात करनी है। सर क्या आप डैडी हैं उसके? डैडी? तो फिर रिश्तेदार? तो फिर कौन है आप लोग? देखिए हम लोग CID से। CID? और हम केस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आप कीर्ति को बुला सकती है प्लीज? हम क्लास खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि बात थोड़ी अर्जेंट है। जी सर, मैं अभी बुलाती हूँ। सुनो गोपी। जी मैम। जाके म्यूजिक क्लास से कीर्ति को बुलाना। जी क्या कहूँ उनसे? बोलना उसके डैडी मतलब रिश्तेदार, बोलना कि मैंने बुलाया है। जी मैम। यार एक बात बता, मैं इतना बुढ़ा दिखता हूँ? नहीं सर, ऐसा किसने कहा? 3 बार डैडी बोली मुझे। नहीं सर, सिर्फ 2 ही बार बोला है। 2 बार? फिर ठीक है, लेकिन 2 बार बोली ना। सर आप डांटेंगे तो नहीं ना उन्हें? नहीं, डांटना वाटना कुछ नहीं है, हम लोग तो उसके डैडी जैसे है ना। डैडी? सर आप CID से ही है ना? लगता तो नहीं है। हम लोग CID से ही है। नहीं सर, अगर आप उसे डांटने वाले थे तो मुझे प्रिंसिपल मैडम को बताना पड़ेगा। मैम आपने मुझे बुलाया? हाँ कीर्ति, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। हेलो कीर्ति। हेलो, मैंने आपको पहचाना नहीं। कीर्ति हम लोग CID से हैं। कीर्ति तुम किसी अभिमन्यु को जानती हो? अभिमन्यु वो सुभाष अंकल का बेटा? यस। क्या हुआ उसे? उसने खून किए। खून? हाँ खून। तुम कैसे जानती हो उसे? हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसके परिवार वाले ड्रग्स लेते हैं तो मैंने उनसे संबंध तोड़ दिए। उनकी माँ की मौत भी ड्रग्स की वजह से ही हुई थी। अब एक और बात है कीर्ति। क्या? तुम्हें म्यूजिक का शौक है? हाँ। चाइनीज म्यूजिक का? हाँ। अच्छा ये बताओ कि हाल ही में तुमने कोई चाइनीज म्यूजिक की CD खरीदी थी क्या? हाँ खरीदी थी। ग्रेट। तुम अभिमन्यु के जन्मदिन की पार्टी में गई थी? नहीं, मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखती। वो CD कहाँ है? वो CD मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? वो CD मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी। तो किसके लिए खरीदी थी? यहाँ की जो प्रोफेसर सामाजिक सिखाती हैं, सोशल साइंस, उन्होंने मुझसे मंगवाई थी। प्रोफेसर? हाँ, और अभिमन्यु के परिवार वाले भी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। थैंक्स। सोशल साइंस की प्रोफेसर और चाइनीज म्यूजिक, कुछ तो गड़बड़ है सर। सालुके, इस ड्रग सैंपल को देखकर तो मेरा सर घूम गया। अभी से? अरे अभी अभी तो आए हो तुम। ये बात 2-4 दिन के बाद कही होती तो अच्छा भी लगता। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम भी देखोगे ना तो तुम्हारा भी सर घूम जाएगा। बस मेरा नाम डॉक्टर सालुक है, मेरा दिमाग नहीं घूमता है। Really? क्यों? पहले से घूमा हुआ है? अरे मुझे आदत पड़ गई है। By the way, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। मैम आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ तारिका, लेकिन ये जो रिहैब क्लिनिक से ड्रग्स आए हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तेरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही है? इसे लाके बिठा दिया ना मेरे सर पे, बेचारी का आते आते ही सर चकराने लगा है। अरे मुझे तो लगा ये तुम्हें हिला देगी। खुद ही हिल रही है बेचारी। सालुंखे। हाँ। सर इस ड्रग में इंसान का DNA है। ड्रग्स में इंसान का DNA? अरे ये कैसे हो सकता है? क्यों, चकरा गया ना सर? हाँ घूम गया सर। डॉक्टर सोनाली एक मिनट, ये लेकिन हो कैसे सकता है? अभिजीत ये पता लगाना तो आपका काम है। भाई मैं तो आपको वही बता रही हूँ जो मुझे रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। अभिजीत ड्रग्स के अंदर इंसान का खून आया कहाँ से? सर एक और, ये ड्रग बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक ड्रग्स हैं। तो फिर ये हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, रिहैब सेंटर में? और लेके आया कौन होगा सर? ट्रक चलाने वाले तो यही दो है ना, ये सुपरवाइजर धीर और सुरेन। लेकिन सर ये दोनों तो गायब हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? रिहैब क्लिनिक में ड्रग्स, मतलब जिस जगह पर हम लोगों को ड्रग्स लेने से छुटकारा दिलाया जाता है उसी जगह पे ड्रग्स। और मैं ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझे? नहीं मिले हो ड्रग के चक्कर में। सर मैं आपसे 1000 बार बोल चुका हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे खुद को धक्का लगा ये बात सुन के। धक्का लगा। रिया क्लिनिक में इलाज करने के बहाने आना जाना बना रहता है ना? बस ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू कर दी, किसी को शक हुआ ही नहीं। क्यों सर? मुझे बस इतना पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब अपना सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता ना सर। इतनी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है सर। पता चल गया, सब पता चल गया। चाइनीज म्यूजिक की सीडी जो पार्टी में बज रही थी, वो सीडी इसी अभिमन्यु की एक पुरानी दोस्त ने खरीदी थी सर। ओह, मेरी पुरानी दोस्त? यस मिस्टर अभिमन्यु, तुम्हारी ही दोस्त। ये कीर्ति का नाम तो सुना ही होगा ना? कीर्ति? हाँ कीर्ति। और सर ये सीडी उसने किसके कहने पे खरीदी थी मालूम है? किसके? सोशल साइंस की प्रोफेसर है वो, प्रोफेसर समीरा। समीरा? ये तो हॉस्पिटल की मैनेजर रिहैब क्लिनिक की है ना? क्यों अभिमन्यु? हाँ सर वही है सर। सर हमें समीरा को पकड़ना चाहिए, वही हमें बता सकती है कि ड्रग्स में आदमी का डीएनए आया कहाँ से। इस वक्त कहाँ है वो? सर वो कहीं बाहर गई हुई। बाहर गई है तो कभी न कभी तो वापस आएगी ना? यस सर, वो कह रहे कि कल तक वापस आ जाएगी। अच्छा तो हम इंतजार करेंगे कल तक इस समीरा का। हेलो, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? हाँ चिल्लाओ मत। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? दिखाई भी नहीं दोगे तुम। हाँ समझ गए ना? अरे रिहैब सेंटर अगर बंद हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? समीरा तुम्हारी गलती है ना, तुम भुगतो, समझ गए? ये क्या बेवकूफी है कीर्ति, तुम मुझे नाम से पुकार रही हो और वो भी कॉलेज में। वो चाइनीज म्यूजिक की सीडी तुमने किसके लिए मंगवाई थी? किसके लिए मंगवाई थी का क्या मतलब है? अपने लिए मंगवाई थी। अपने लिए? जो म्यूजिक तुम समझ नहीं सकती वो अपने लिए मंगाई थी। क्या तुमने वो चाइनीज म्यूजिक की सीडी अभिमन्यु की बर्थडे पार्टी पर भेजी थी या नहीं? अभिमन्यु की बर्थडे पार्टी में? हाँ, ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम ड्रग सप्लाई करती हो। तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी और एक क्लास में जा रही हूँ। हाँ समीरा जी इतनी जल्दी क्या है, होती रहेंगी क्लासेस, होती रहेंगी। थोड़ी बहुत बातें हम लोगों से भी कर लीजिए। सर ये झूठ बोल रही है, मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ वो तो हमें मालूम है, आप कितनी भोली है और क्लास में कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, कैसे ड्रग्स लेना चाहिए, कैसे लोगों के जीवन बर्बाद करने चाहिए, है ना? नहीं ये सच नहीं है, आप लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। थोड़ी देर के लिए CID ब्यूरो चलो हमारे साथ, सब पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। समीरा, समीरा, रुको। कहाँ तक भागोगी? जेल के अंदर काफी जगह मिलेगी, सुबह शाम भागती रहना वहाँ पर, समझी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर भागी। ये रोना धोना बंद करो। ये बताओ वो म्यूजिक सीडी तुमने किसको दी थी? हमने सीडी फार्म हाउस पे छोड़ी थी, किसी के हाथ में नहीं दी थी। फार्म हाउस से मतलब अभिमन्यु के बर्थडे पार्टी में छोड़ी थी? हाँ। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे सच्ची नहीं मालूम। सीधे सीधे बता दो, वरना एक ऐसा हाथ दूंगी होश ठिकाने पर आ जाएंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी, मैं सच कह रही हूँ। इसे ब्यूरो लेके चलो, वहाँ पे जाते वो अभिमन्यु है ना, वहाँ पे ब्यूरो में अच्छे अच्छे की चोंच खुल जाती है, समझे? चलो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। हमारी फैमिली फ्रेंड होते हुए भी तुम मुझे ड्रग्स देती रही, और क्या 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 कहती तुमसे मेरी माँ कि मेरे अभिमन्यु का ध्यान रखना। ये ध्यान रखा तुमने मेरा? हाँ? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? जी सर, अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। मुझे किसी ने लेटर भेजा था, उसमें लिखा था कि मुझे अभिमन्यु को ड्रग्स देने हैं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे होने वाले पति को मेरे बारे में सब कुछ बता देंगे। सब कुछ का क्या मतलब है? क्या क्या बता देने वाले थे वो तुम्हारे बारे में? यही कि मैं ड्रग्स का काम करती हूँ। तुम्हें मालूम है ना, उस ड्रग की वजह से इसकी जान भी जा सकती थी। हाँ। जानने के बावजूद तुमने ऐसा किया? तुम्हारे दिमाग में जरा भी ये ख्याल नहीं आया कि मर जाएगा? और क्या क्या गुनाह किए तुमने? उस आदमी के कहने पर मैंने अभिमन्यु की माँ को ड्रग्स देके मार दिया। तुमने मेरी माँ की जान ली? मेरी माँ की जान ली तुमने? कौन है वो आदमी जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? मैं उसे नहीं जानती, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मुझे बस उसने वो लेटर दिया था। कहाँ है वो लेटर? वो तो मेरे पास नहीं है, मैंने वो लेटर फाड़ दिया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। वो अभिमन्यु को क्यों मरवाना चाहता था? और उसकी माँ को भी मार दिया। सो वो अभिमन्यु के परिवार वाला ही कोई हो सकता है। हाँ, जरूर उसे ड्रग्स के बारे में अच्छी जानकारी है। जो ड्रग्स तुमने अभिमन्यु को दिया, वो ड्रग्स तुम्हें किसने लाके दी थी? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं उसने कहाँ से दी, क्या किया, मुझे बस एक लेटर मिला था जिसमें कहा था ये ड्रग्स है जो मुझे अभिमन्यु को देने हैं। सर, ये जो दोनों क्लिनिक सुपरवाइजर्स हैं, धीर और सुरेन, ये दोनों ही अंदर दवाइयाँ और सामान वगैरह लेके आते थे, तो कहीं इन दोनों ने ये ड्रग्स नहीं लाया अंदर? क्या कुछ पता चला इन दोनों के बारे में? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, वो लोग घर पे भी नहीं है। तो जिस वैन से ये लोग सामान लाते थे, शायद उसी वैन के ड्राइवर से कुछ पता चल जाए इनके बारे में। करो पता। इधर आओ। साहब, आप लोग फिर से यहाँ पे? क्लिनिक तो तब से ही बंद है जब आप क्लिनिक बंद करा के गए थे साहब। पता है हमें, लेकिन अगर क्लिनिक बंद है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। कुछ ना कुछ मतलब? ये क्लिनिक के वैन से मैं लोगों का सामान इधर से उधर ले जाता हूँ साहब, आप किसी से कहीं मत। ठीक है, नहीं कहेंगे किसी से, मगर तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम साहब? ये धीर और सुरेन नाम के आदमी यहीं पे काम करते थे ना? हाँ साहब, ये लोग दवाइयाँ और ऑपरेशन का सामान सप्लाई करते थे साहब, मैं ही उनके साथ जाता था हर हफ्ते। इसी गाड़ी में आता था सामान? हाँ साहब, मगर मैंने कुछ नहीं किया साहब। देखो, तुम घबराओ मत, हमें पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन आराम से सोच के बताओ, इस गाड़ी में जो सामान आता था उसमें कुछ गड़बड़ थी उन दवाइयों में? नहीं साहब। मैंने कहा सोच के बताओ, सोच के, ऐसे ही मत बोलो। इस गाड़ी में तुम्हें उनको ड्रग्स लाते देखा? ड्रग्स? हाँ, ड्रग्स लाते हुए देखा इस गाड़ी में? नहीं साहब, ड्रग्स लाते हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वो लोग एक गोडाउन में हर शनिवार को जरूर जाते थे। कौन से गोडाउन में? गोडाउन तो हमेशा से बंद है साहब। फिर क्यों जाते थे वो वहाँ पे? दवाइयाँ लाने के लिए। बंद गोडाउन से दवाइयाँ लाने के लिए? सर गड़बड़ यहीं पर है। बंद गोडाउन में दवाइयाँ क्यों रखी हुई हैं? तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो? हाँ साहब। तो चलो। साहब, यही वो जगह है। यही वो जगह है जहाँ धीर और सुरेन हर शनिवार को दवाइयाँ लेते थे। यहाँ पे कहाँ जाते थे? यहाँ पे वो गाड़ी खड़ी करते थे साहब। यहाँ? हाँ साहब। और फिर साहब वो यहाँ से ऐसे अंदर जाते थे। यहाँ से ये यहाँ पे कहाँ से दवाई मिलने लगी? यहाँ से है? हाँ साहब। यहाँ पे तो ना कोई गोदाम है, ना ही कोई फैक्ट्री वगैरह। वही तो बिल्कुल से अंदर ही होगी सर। देखते हैं। अच्छा, दो टायर पिल्स है ना जो हमें फार्म हाउस से मिले थे। यस सर। गाड़ी के टायर के निशान वैसे ही सर जैसे हमें वहाँ फार्म हाउस में मिले थे, जो अभिमन्यु ने बताया था। इसका मतलब सर इसी गाड़ी में लाश लाई गई। गाड़ी के अंदर देखो क्या है। सर ये देखिए सर, यहाँ पे फूल लगा हुआ सर। हाँ ये क्या जी? गाड़ी के अंदर खून मिलना और फिर टायर के निशान मैच होना, इसका मतलब है अभिजीत खूनी ने फार्म हाउस में खून किए और लाशों को इस गाड़ी में डालकर यहाँ ले आया। मगर सर यहाँ पे लाया ही क्यों? लाशों को क्यों लेकर आएगा वो लाशों को यहाँ पर? अरे सुनसान जगह है ना, कोई देखने के लिए नहीं है बात, इसलिए कुछ ना कुछ चक्कर होगा सर। हाँ है तो जरूर। ताशा, काजल, तुम तीनों गाड़ी में से ब्लड सैंपल्स उठाओ और फोरेंसिक लैब में भेज दो और कहो कि फार्म हाउस में से जो ब्लड मिला है उससे साथ मैच करके देखें। जैसे देखते चक्कर क्या है। गोडाउन से ज्यादा ऑपरेशन थिएटर लग रहा है सर। ऐसी सुनसान जगह पे ऑपरेशन थिएटर? सर यहाँ ऑपरेशन हो किसका रहा है? ऑपरेशन के बारे में तो उस ड्राइवर ने कुछ भी नहीं बताया। और तो यहाँ जिसका भी ऑपरेशन होता होगा लगता है वो जिंदा वापस नहीं जाता होगा। ये देखो मुर्दे को बाहर ले जाने का अच्छा इंतजाम किया है। सचिन लेकर आओ उस ड्राइवर। विजित खोलते को सर ये लाशें पूरी तरह सड़ी गली नहीं है। ऐसा लगता है इसकी मौत शायद 3-4 दिन पहले हुई। इसका तो पेट काट के सिला हुआ भी है सर। सर कहीं पेट के अंदर कुछ छुपा के तो नहीं रखा? डर था वही हुआ। आप इतना चौंक क्यों रहे? ये देखो रक्त भरी हुई है पेट में। अब तो तीन डॉक्टर्स हैं फोरेंसिक लैब में, पता तो चल ही गया होगा क्या है लाशों में। सर, इन लाशों में ड्रग्स भरकर सप्लाई की जा रही थी। इनफैक्ट इस लाश में से तो हमें सिर्फ ड्रग्स के पैकेट्स मिले। ये देखो। अब समझ में आया वो जो ड्रग्स में आदमी का डीएनए मिला था वो कहाँ से आया है। ये नया तरीका है सर ड्रग सप्लाई करने का। क्या हुआ हा? इस तरीके से ड्रग्स सप्लाई करेंगे तो ड्रग्स में आत्माएं भी घुस सकती है। रेडी, मेरी फॉरेंसिक लैब में आत्मा का नाम मत लेना। यहाँ साइंस चलती है बॉस, ये अंधविश्वास नहीं। अच्छा, जब आत्माएं लिपटेंगी ना सालुंके साहब, तब आना मेरे पास। नहीं, मेरे पास मत आना, एसीपी साहब के पास जाना। क्यों सर, एसीपी साहब को देखकर आत्माएं भाग जाती है क्या? एसीपी साहब को देख के किसकी हवा नहीं निकलती ताशा। आत्मा क्या चीज है? सर, एक और जबरदस्त बात पता चली है। ठीक है सारों के साथ तारिका जी जब बात करती हैं जबरदस्त करती हैं। हाँ, क्या 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 पता चला आपको? देखा, लट्टूआ पड़ा है एकदम है? सिर्फ आरती उतारना बाकी तारिका जी, बाकी सब कुछ हो चुका है। ये जो लाशें मिली है ये उसी गाड़ी में लाई गई है वहाँ फार्म हाउस से। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला? जो खून हमें फार्म हाउस से मिला है वो खून, और जो खून हमें उस गाड़ी में से मिला है वो खून, दोनों एक जैसे ही है। दोनों का डीएनए एक ही है, इसका मतलब खून एक ही है। अभिजीत, हमें पता लगाना चाहिए कि ये फार्म हाउस है किसका। अरे सुभाष, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। अरे लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। चलो तो। तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? सुभाष और विक्रम? हाँ? पता नहीं साहब, पर अभी चले गए हुए यहाँ से। इतनी रात गए? 12 बज रहे हैं रात के। मुझे नहीं मालूम साहब, मैंने तो उन्हें खाने के लिए भी बोला था पर उन्होंने मना कर दिया, बोले बाद में खाएंगे, पहले उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। सर, ऐसी बात क्या होगी जो इतनी रात को बाहर जाना? मुझे मालूम है कहाँ गए लोग। चलो। सुभाष बात क्या है? सुभाष कुछ तो बोलो। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे घर पे नहीं बता सकते थे और इस वीराने में ले आए हो? सुभाष, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली क्या बात करने के लिए हैं? नहीं, इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती थी बात करने के लिए। चलो ठीक है, लेकिन अब बताओ तो सही कि बात है क्या। ज्यादा भोले मत बनो, क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या बात है? दोनों यहीं पे आए होंगे। इस जगह को अच्छी तरीके से घेर लो, कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए, और जरा संभाल के, गोली वाली चल सकती है, खतरनाक लोग हैं वो। गोली चल गई? गोली हम पे नहीं चली है। आने में देर हो गई क्या? आवाज उस तरफ से आई है। समझ तो मैं उस तरफ रहा है सुभाष कि इतनी रात को इस वीराने में तू मुझे क्यों लेकर आया, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे इसी मौके की तलाश थी। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? तो तुम्हारा भाई हो ना। जायदाद और पैसे के मामले में कोई किसी का भाई कोई किसी का बहन नहीं होता सुभाष, तुम्हें तो मरना ही होगा। मेरे साथ गलती हो गई, तेरी बीवी के साथ साथ मुझे तेरा भी खून कर देना चाहिए था, मेरा रास्ता उसी वक्त साफ हो जाता। क्या तुमने मेरी बीवी को मारा? कोई बात नहीं, वो गलती मैं अभी सुधार लेता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा सुभाष। नहीं गोली ऐसे चलाता है। हाँ, मैंने ही मारा उन सबको, मैंने ही मारा। सबको मतलब किसको? सुभाष की बीवी को और अभिमन्यु के 3 दोस्तों को। और अभिमन्यु को भी मारने का प्लान था ना? हाँ, इसीलिए मैंने उसे वो फार्म हाउस वाली पार्टी पे भेजा था। और ये चाइनीज म्यूजिक से अचानक इतना प्यार क्यों हो गया तुम्हें? मैं चाहता था कि पार्टी में ऐसा कोई पागल कर देने वाला म्यूजिक अगर बजाया जाए जिसे सुन के सब पड़ोसी वहां आ जाए और वो आके देखे कि अभिमन्यु लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वो लोग हल्ला मचाते तो पड़ोसी वैसे ही आ जाते। हाँ, लेकिन ये म्यूजिक सुनकर वो तुरंत आ गए। सड़ा हुआ दिमाग है, इसलिए जोर से चलता है। ये सब आपने किया ही क्यों? जायदाद के लिए। मुझे सुभाष की सारी जायदाद चाहिए थी। मिल गई ज्यादा? जेल में बैठकर नोट गिन नहीं सकेगा, बाहर आ नहीं सकेगा। अब जिंदगी भर याद करते रहना जेल में बैठ के जायदाद। और अगर फांसी हो गई तो जायदाद को याद करने की जरूरत भी नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।